हेलो गाइस, 12th एग्जाम का आज फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स का था। सेट नंबर एक का जो हम आंसर की लेकर आए हैं, इसमें बताया गया हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है 100% सही दिया जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड करने का यही कारण है क्योंकि इसको बनाने में हमें समय लगा, इसलिए हम सोचे कि पहले पूरा क्लियर कर ले फिर हम बताएंगे, वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें तो आपको पता चले कि आप कितना सही किए हैं और कितना गलती किए हैं। ऐसे तो कितना आपको वीडियो मिल जाएगा फ्रॉड वीडियो, जो जिसमें आधा से अधिक गलत ही मिलेगा और सही का तो पता ही नहीं। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो सकता है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोलेंगे और ऑप्शन में ए बी सी डी बोल देंगे और इसमें बता देंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर एक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी। तो इसका सही ऑप्शन जानते हैं कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है दो नंबर। देखिए भाई, जिनका भी सेट दूसरा कोई है, जैसे आई जी एफ है, तो वो क्या करेंगे, वो भी मिला सकते हैं इस वीडियो से। बस उसका नंबर जो इसमें दो नंबर क्वेश्चन दो नंबर पर है तो उसका जो जी नंबर का होगा उसमें 5 नंबर होगा चाहे 10 नंबर, यही होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो चलिए मिलाइए फटाफट। दो नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है, तीन नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीन नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए है। ए पर टिक लगाए हैं तो आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है चार नंबर क्वेश्चन। चार नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चार नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर टिक लगाए हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, आप देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर। 6 नंबर क्वेश्चन का आप कौन से वाले ऑप्शन पर टिक लगाए हैं? तो आपको लगाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी पर। अगर ऑप्शन नंबर डी पर लगाए हैं तो आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका राइट है, नहीं तो गलत है। देखिए भाई, इसमें बताया गया हर एक क्वेश्चन का जवाब 100% सही है, बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेट हुआ है, हम समझते हैं कि लेट से हम अपलोड किए हैं, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे से मिलाइए, 1 से पूरे 100 तक की मिलाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी पर टिक लगाए हैं तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ए पर टिक लगाना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर की स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए 11 नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर है 12 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जो 13 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो 15 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी पर टिक लगाए हैं तो आपका सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो 16 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी पर टिक लगाए हैं तो सही है, नहीं तो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन कौन होगा? तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए पर टिक लगाए हैं तो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन कौन होगा? तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। 19 नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पर आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए पर टिक लगाए तो सही है, नहीं तो गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए राइट स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए
आ चुका है स्क्रीन पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? देखिए इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन कौन होगा? तो 22 नंबर क्वेश्चन के सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 24 अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन आ गया, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 31 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 32 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 33 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर 34 नंबर ला रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चंस कहाँ गया? 34 नंबर क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन के सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 43 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें बताया गया हर एक आंसर 100% सही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत होगा, ये होगा, वो होगा। जिस क्वेश्चन पे भी आपको डाउट लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन पर डाउट है, हम उसको फिर से बताएंगे। और फिर अगर इसका आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल वीडियो बनाकर फुल सॉल्यूशन बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हमें कमेंट में बताइए किन किन भाइयों को 50 में 50 सही हुआ, कमेंट में बताइए, हम उसको एक लाइक करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 53 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 54 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 56 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 57 का सही ऑप्शन है ए।
अगला क्वेश्चन हमारा है 58। 58 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है 59। 59 का सही ऑप्शन बी। अगला है 60। अगला क्वेश्चन के लिए 60 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 62। 62 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 63। 63 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 64। 64 क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 65। 65 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 67। 67 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 68। 68 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 69। 69 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 70। 70 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 71 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 72। 72 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 73। 73 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 74। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 75। 75 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा सी। 76। 76 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी। 77। 77 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 78। 78। 78 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 79। 79 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 80। 80 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 81। 81 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। 82 नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 82 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 83। 83 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 84। 84। 84 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए। 85। 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 86। 86 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 87। 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। 89। 89 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 90। 90 का सही आंसर हो जाएगा ए। 91। 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 92। 92 का सही, 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 93। 93 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 94। 94 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 95। 95 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 96। 96 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा 97। 97 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 98 नंबर। 98 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 99। 99 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 100। 100 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए।